कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि यदि आप कोई भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, यानी कि व्हीकल वाहन परचेज करना चाहते हैं, और आपके मन के अंदर ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि मैं कौन सी गाड़ी परचेज करूं, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके दिमाग में आता है वो ये आता है कि कलर कौन सा हो। दोस्तों, आप अपने मनपसंद कलर परचेज करने के बाद कई बार आपके दिमाग में आता है कि क्या ये जो कलर है मेरे लिए लकी है या नहीं है। उसी जिज्ञासा और समस्या का समाधान मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा कलर आपके लिए लकी रहने वाला है। दोस्तों, जीवन से जुड़ी जो बेसिक चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, व्यक्ति समृद्धशील होता जाता है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अपने लिए वाहन परचेज करना चाहता है। तो सबसे पहले हमको जन्म कुंडली के अंदर देखना चाहिए क्या आपके भाग्य में वाहन बनता भी है या नहीं बनता। यदि वाहन बनता है तो क्या आपके लिए वो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। यदि उसमें कोई अड़चनें आ रही हैं तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, जिसमें से बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहां पर शुभता के लिए जो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा वो होगी कि आप अपनी राशि के अनुसार यदि कलर परचेज करते हैं तो वो आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे निर्णय लें कि आपके भाग्य में वाहन का योग है या नहीं है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर चौथा घर जो होता है वो वाहन का होता है। यदि आपके चौथे घर में शुभ ग्रह है तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा जो प्लेनेट है, दूसरा जो घर होगा तो वो नाइन्थ हाउस होगा। नाइन्थ हाउस जो होता है वो यात्राओं का होता है। उसके बाद थर्ड हाउस जो हम इसमें कंसीडर करेंगे वो होगा इलेवंथ हाउस। यानी तीन घर यदि आपस में ज्वाइंट होंगे, तालमेल बनाकर रखेंगे, तो आप मानकर चलिए कि आपके भाग्य में वाहन योग है। कौन से तीन घर हुए दोस्तों? चौथा घर वाहन का घर, नाइन्थ हाउस नोवा घर यानी के आपके यात्राओं का घर, और ग्यारहवा घर यानी के लाभ भाव का घर। तो जब भी चौथा घर नवम भाव से संबंध रखे, इलेवंथ हाउस से संबंध रखे, आपस में उनकी शुभ दृष्टि पड़े, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में वाहन का सुख अवश्य होगा। अब दूसरी बात यह आती है कि कई बार देखने में आता है कि वाहन की किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर या मन के अंदर तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वो चाहकर भी अपने मन पसंद वाहन नहीं खरीद पाता। उसका कारण होता है दोस्तों कि चौथा घर तो उसका एक्टिव है, वहां पर शुभ प्लेनेट भी है, लेकिन ग्यारहवा घर में जो ग्रह आना चाहिए, जिसका संबंध चौथे घर से होना चाहिए, वो अशुभ ग्रह आ जाता है, जिसकी वजह से उसको मन पसंद वाहन खरीदने में काफी परेशानी आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि आपके भाग्य में वाहन परचेज करना है तो अपनी राशि के अनुसार आपको कौन सा कलर परचेज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं। कि उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याओं का, तो वो सर्विसेज हम देते हैं, लेकिन
ये जो हमारी सारी सर्विस होती है ये पेड होती है, इसके लिए आपको हमें पेमेंट करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप हमें पेमेंट करके हमारी सेवाएं लें, तो व्हाट्सएप कर आप अपनी बर्थ डिटेल और क्वेरी भेज दीजिए। आप तभी हमें अपनी क्वेरी भेजे यदि आप पेड सर्विस चाहते हैं तो, अन्यथा आप हमें व्हाट्सएप ना करें और कॉल ना करें, क्योंकि हम जो सारी सर्विसेज देते हैं वो हमारी सर्विसेज 100% पेड सर्विसेज होती है। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तुला राशि, तुला राशि के लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा, कौन से रंग की आप गाड़ी परचेज करेंगे। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। शुक्र ग्रह का कलर व्हाइट होता है, तो आपके लिए व्हाइट कलर और सिल्वर कलर शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होता है बुध। बुध ग्रह का कलर ग्रीन होता है, इनके हरा होता है, तो आप ग्रीन कलर और ग्रीन कलर की फैमिली की गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का शनि भी मित्र होता है, तो दोस्तों आप ब्लैक कलर, ग्रे कलर की गाड़ी भी परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें शुक्र ग्रह का जो शत्रु ग्रह है वो होता है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य का कलर आपको मालूम है रेड होता है, रेड और रेड कलर की फैमिली, उसमें ऑरेंज भी आ जाता है, पिंक भी आ जाता है, ये सारे कलर आ जाते हैं, तो इस कलर की गाड़ी आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। चंद्रमा भी शुक्र ग्रह का शत्रु ग्रह है, तो उस कलर की गाड़ी भी आप परचेज मत करिए। अब हम बात करें शुक्र ग्रह के जो सम ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल और गुरु। किन्हीं परिस्थितिवश आपको यदि लकी कलर नहीं मिल रहा है आपकी राशि के अनुसार, तो आप सम ग्रह जो आपका है उसके अनुसार भी अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं, लेकिन पहले ये जांच करवा लें कि सम ग्रह आपके जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं है, उसकी दशा और गोचर आपके लिए यदि फलदायक है, लाभदायक है, तभी आप सम ग्रह की गाड़ी खरीदें। अन्यथा आपके लिए जो लकी कलर मैंने बताया उसी की गाड़ी परचेज करें। दोस्तों आप जल्दी ही मनपसंद गाड़ी परचेज करें, आप वाहन सुख प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा।